आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सैयद नियाज शाह, ख़बर दिखा रहे हैं पुंछ से। आज जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ के शोबा असरिया के तहत चल रहे हाई स्कूल के तालाब में एक नातिया मुकाबले का अहतमाम करवाया गया। ये प्रोग्राम कामसर स्कूल के साथ मुतसिल मस्जिद में मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में भारी तादाद में जहां तुलबा ने शमूलियत की और नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के साथ साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर तकारीर भी की, वहीं इस प्रोग्राम में भारी तादाद में मुअज्जज़ीन शहरियों ने शमूलियत की। स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल व इंतज़ामिया की तरफ से बेहतर इंतजामात किए गए थे। बच्चों ने नहायत ही जोश व खरोश और जज्बे के साथ इस नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया। वहीं इस नातिया मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले नात खानों में इनामात भी तकसीम किए गए। अलावाज़ी जजी साहिबान और मुअज्जज़ीन को स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से मोमेंटो भी पेश किए गए। दिखाते हैं आपको ज़ियाउल उलूम हाई स्कूल पुंछ में मुनक्कदा नातिया मुकाबले पर मबनी ये रिपोर्ट। आइए तज़किरा-ए शाह-ए-मदीना कर ले। इस हमद से जिया अफरोज जहां होता है उनकी सीरत का नमूना है चरागे मंजिल, उनकी सीरत का नमूना है चरागे मंजिल, उनके अनवार से मामूर जहां होता है। था
بولنے لگی کہ مبارک ہو حضور آ گئے پور نور آ گئے شافیے یوم النور آ گئے آگلے میں عدل آ گئے نقش رب جلیل آ گئے دعائے حلیل آ گئے حیر الورا آ گئے احمد مصطفیٰ آ گئے جناب محمد ہر زمانہ ہے میرے نبی کا جس جگہ بادشاہ جھک رہے ہیں جس جگہ صبر کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے صبر کا ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے ورنہ ہم کو جینے کا حوصلہ نہیں کہ جنہوں نے اتنا عمدہ پروگرام علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ دین کی ایک اہم ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف توجہ دی اللہ رب العالمین ان کی قربانی کو بے حد قبول فرمائے آج کا انعقاد مقابلہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ نعت پیش کرنے والوں کے عزیز بچوں کو انہوں نے ہاتھ
मेहमानान रसूल को जिन्होंने एक से बढ़कर एक नबी दो जहां आकाए इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनातपानी और नाथपानी हमने की। मैं हजरत हतम की तरफ देख रहा था कि किसको ये ज्यादा नंबर दें, इसको काम दें, क्योंकि एक से बढ़कर एक यहाँ पे माशाल्लाह नाथपानी का मुकाबला हुआ। और बाकी जो आज का प्रोग्राम हुआ इसकी नस्बत से तो मैं खुद ही जब मेरे सामने फाइल रखी हुई थी रैंकिंग की मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने नोट में लिख दिया कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर आउटस्टैंडिंग। ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि इसमें से फर्स्ट कौन है या सेकंड कौन है। मैंने मेरे नज़दीक को सारे के सारे बच्चे जो इस स्टेज पर आए और जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा या नादिया कलाम पेश किया सारे के सारे आउटस्टैंडिंग हैं, फर्स्ट नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग हैं। उसके अलावा पुंछ हमारी को 74 के बाद जो एक मदरसा ज़ियालुम ने दोनों दीनी और दुनियावी तालीम में डिसिप्लिन दिया, इस ऐसा डिसिप्लिन मैंने पूरे इंडिया का बल्कि फॉरेन के भी 2-3 चक्कर लगाए। सऊदी अरब, नेपाल, इन कंट्रीज में भी मैं अपने खाली के दौर में गया। मैंने देखा जो डिसिप्लिन ज़ियालुम ने इंसानों को दिया या बच्चों का जो डिसिप्लिन है, तालीम का जो मियार है, ये मैं और साइड द कंट्री भी नहीं देखा। अल्लाह ताला इसको सलामत रहे। मैं ज़ियालुम का शोबा उलूम असरिया है जिसके ज़ेर एहतमाम हर साल रबीउल अव्वल की मुनासबत से नातिया मुकाबला होता है। इस साल कुछ वजूहात की बिना पे ताखिर से मुनक़द किया गया और COVID-19 की जो रिस्ट्रिक्शन हैं उसकी वजह से भी इसको सोच समझ के मुनक़द किया गया। और जैसा कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो जुज़वी तौर पर खुले हैं और 9th-10th की क्लासेस ही लगी हैं, तो इसलिए इसको इस साल महदूद पैमाने पर उन तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए मुनक़द किया गया था, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत खूबसूरती से पार्टिसिपेट किया। और आका इनामदार अलैहिस्सलाम के तईं गुलाए अकीदत मोहब्बत पेश किए और इसमें जो पेरेंट्स थे वो भी शरीक हुए और कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को भी मदु किया गया था और जो तलबा अव्वल दौम सुम आए उनको इनामात भी दिए गए और बाकी तमाम जितने भी शुरका थे उनको भी इनामात से नवाजा गया। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे उसरी उलूम के हुसूल में लगन के साथ चल रहे हैं उनको उनके अंदर दीनी शऊर भी बेदार रखा जाए, अपनी इकदार और रवायात से भी उनको जोड़ा जाए। ऐसे प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीनी एतबार से भी अखलाकी एतबार से भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे और मैदान में वो एक ऐसा अमली नमूना बन के जाएँ जहाँ उनके अंदर एक बेहतर अखलाकी तालीमात का किरदार नुमाया नज़र आए। इसी मकसद के पेश नज़र आज का ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया था।